टेक्नोलॉजीज लेकर आता है। नई टेक्नोलॉजीज का नए साल में बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज हम आपको नए साल के मोस्ट अवेटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे। इन नई टेक्नोलॉजीज में वायरलेस लैपटॉप चार्जर से लेकर मॉड्यूलर डिवाइसर जैसी कई चीजें शामिल हैं, जो आपकी जिंदगी को पहले से ज्यादा आसान बनाने में मदद करेंगी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले ही 2019 की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता लग जाएगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। लैपटॉप के साथ भारी चार्जर लेकर चलना शायद किसी को भी पसंद नहीं होगा। ऐसे में वायरलेस चार्जिंग अच्छा विकल्प हो सकती है। यह तकनीक अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि लैपटॉप की बैटरी चार्ज कर सके। पिछले कुछ साल में हुई डेवलपमेंट से हमें ऐसे वायरलेस चार्जर मिले हैं जो स्मार्टफोन की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, शायद इनसे लैपटॉप भी चार्ज हो सके। हालांकि इंटेल और डेल हमें वायरलेस चार्जिंग का डेमो भी दिखा चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि 2019 में लैपटॉप का वायरलेस चार्जर हमारे हाथों में होगा। पिछले कुछ साल में आपने गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार से जुड़े एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा। कई ऑटोमोबाइल ब्रांड्स ऑटोनोमस कार पर काम करने की घोषणा कर चुके हैं। टेस्ला ने सबसे पहले ऑटो पायलट फंक्शन वाली कार बनाई थी, हालांकि इसका सीमित इस्तेमाल किया जा सकता है। सेल्फ ड्राइव वाली कारें डायरेक्शन के लिए वर्चुअल मैप पर निर्भर रहती हैं और सही ड्राइविंग के लिए सेंसर का सहारा लेती हैं। और ये दोनों ही तकनीक हमारे भारत में मौजूद हैं और इनमें लगातार सुधार हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि सेल्फ ड्राइविंग कारें जल्द ही कंज्यूमर के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। स्टोरडॉट नाम की एक कंपनी ने एक प्रोटोटाइप दिखाया था जिसमें उन्होंने सुपर फास्ट चार्जिंग बैटरी बनाई थी जो सिर्फ 30 सेकंड में फुल चार्ज हो जाती थी और साथ ही इसका बैकअप टाइम भी 5-6 घंटे का था। ये बैटरी ज्यादा महंगी भी नहीं है और कम पैसे में भी खरीदी जा सकती है, ऐसा कंपनी ने बताया था। इस बैटरी के आते ही लोगों की मोबाइल चार्जिंग की समस्या तो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। अभी भी ज्यादातर डेस्कटॉप या लैपटॉप यूजर्स स्टैंडर्ड कीबोर्ड, माउस या ट्रैकपैड का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तकरीबन हर कोई टच स्क्रीन वाला स्मार्टफोन यूज कर रहा है। ऐसे में कंप्यूटर के लिए भी ऐसा ही आइडिया बुरा नहीं है। एप्पल पहले ही OLED पैनल बार के साथ मैकबुक प्रो लॉन्च कर चुकी है। इसी तरह ASUS ZenBook भी OLED टच स्क्रीन ट्रैकपैड के साथ लॉन्च हुई थी। ऐसे में हम आने वाले साल में उम्मीद कर सकते हैं कि ज्यादातर ब्रांड्स कीबोर्ड और ट्रैकपैड्स को टच स्क्रीन OLED डिस्प्ले के साथ रिप्लेस करेंगे। कुछ साल पहले मॉड्यूलर स्मार्टफोन का बड़ा ही क्रेज था। गूगल इस कंसेप्ट पर काम कर रही थी, लेकिन कुछ साल की कोशिशों के बाद उसने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। हालांकि अभी भी कुछ ब्रांड्स उपभोक्ताओं के लिए मॉड्यूलर डिवाइसेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। फेयरफोन हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसकी इसमें दिलचस्पी है। मोटो भी स्मार्टफोन के साथ मोटो मोड्स के रूप में विकल्प देती है। 2018 में रेड ने मॉड्यूलर स्पोर्ट एसेसरीज के साथ आने वाले हाइड्रोजन फोन की घोषणा की थी। अगर टीवी सेगमेंट की बात करें तो शाओमी 2017 में मॉड्यूलर टीवी लेकर आई थी जिसके कंपोनेंट्स साउंड बार में थे। उन्हें डिस्प्ले स्क्रीन से अलग करके अपग्रेड यूनिट के साथ बदला जा सकता था। हम 2019 में मॉड्यूलर डिजाइन के साथ और भी डिवाइसेस देखने की उम्मीद कर सकते हैं। आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में GTA San Andreas जरूर खेली होगी। उसमें हम जेटपैक लगाकर उड़ सकते थे और उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो अब रियल में हो रहा है। तो कंपनी ने एक ऐसा ही जेटपैक बनाया है जो इंसान को आकाश में उड़ा सकता है, जिसको हम पीठ पर बांधकर स्टार्ट करने पर वो आसमान पर काफी ऊपर आसानी से जा सकता है और साथ ही अपनी मूवमेंट को कंट्रोल भी कर सकता है। इस जेटपैक डिवाइस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्यूल भरा हुआ होता है जो आदमी को 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 250 फुट तक आसमान में ऊपर ले जा सकता है। तो ऐसे में कौन कहता है कि आकाश की सैर करना मुश्किल है। यह सब अब 2019 में संभव है। चीन अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ज्यादा जाना जाता है, तो चीनी इंजीनियर्स मैगलव तकनीक से परे ट्रेन परिवहन के अगले चरण में देख रहे हैं। सुपर मैगलव को मैगलव तकनीक पर बनाया गया है, लेकिन यह एक वैक्यूम ट्यूब में ट्रेन को कवर करता है, एयर रेजिस्टेंस को कम करता है और ट्रेन को हाई स्पीड प्रदान करता है। तो इंजीनियर्स की इस पर राय है कि इस तरह के एनक्लोज ट्यूब मैगलव सिस्टम ट्रेन को 1800 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। तो अभी तो ये चाइना में लॉन्च होगी। अगर ये ट्रेन भारत में आ जाती है तो हम पूरे भारत का चक्कर लगभग 2-3 घंटों में लगा सकते हैं।
एक हॉलीवुड मूवी स्टार वार्स में आपने ऐसी स्पीडर बाइक देखी होगी। यह बाइक बिल्कुल वैसी ही है जिसमें 240 हॉर्स पावर का इंजन है। तो वैसे ही बाइक 2019 में आने वाली है और साथ ही दो रोटर मोटर भी लगी हैं, जो जमीन से 12 फीट ऊपर हवा में उड़कर चलती हैं। इसमें किसी भी तरीके के पहिए नहीं होते हैं। जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उनका कहना है कि यह बाइक बहुत ही जल्दी हम लॉन्च करेंगे और उनका यह भी कहना है कि इसको चलाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ज्यादातर लोगों को 3D इमेजेस के बारे में पता होगा और आपने 3D मूवीज भी देखी होंगी। ठीक वैसे ही होलोग्राफिक स्मार्टफोन में 3D कैमरा लगा होता है जो हमें सभी पिक्चर को सभी डायरेक्शन से दिखा सकता है। इसमें फ्रंट कैमरा मूवेबल होता है और जैसे जैसे हम अपनी आंखों को इसकी तरफ देखते हैं यह उसी डायरेक्शन में मूव हो जाता है। हम अपने मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं तो 3D वीडियो गेम का तो अपना अलग ही मजा है। जब हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इसमें हमें प्रोडक्ट बिल्कुल ही क्लियर नजर आएगा और हम उसको चारों तरफ से देख सकते हैं। ₹2019 में HP अपना 3D मेटल प्रिंटर भारत में लॉन्च करेगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मेटल पर 3D प्रिंटिंग कितनी मुश्किल है। HP अपना प्रिंटर मेटल जेट 2019 में इंडिया में लॉन्च कर सकता है, जिससे मेटल पर 3D प्रिंटिंग आप घर बैठे ही कर सकेंगे। तो ये थे आपके सामने 2019 की मोस्ट अवेटेड टेक्नोलॉजीज। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो से काफी नॉलेज मिली।